बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बदलाव की राजनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार में आरजेडी के लिए नई धारा की राजनीति की राह चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने ए टू जेड का फॉर्मूला दिया था। वो चाह विधानसभा उपचुनाव के बाद यह मिथक भी टूट गया कि भूमिहार जाति के वोटर आरजेडी के साथ नहीं जा सकते। आरजेडी के लिए भूमिहार वोट बैंक को लेकर तेजस्वी का यह लिटमस टेस्ट था और तेजस्वी भी इसके साथ आगे मजबूती से दिखना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव परशुराम जयंती समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल बता दें कि 3 मई को पटना में परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। पटना के बापू सभागार में किया गया है। तेजस्वी यादव को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया। भूमिहार ब्राह्मण एकता फाउंडेशन की तरफ से तेजस्वी यादव को आमंत्रण दिया गया था। आशुतोष कुमार ने मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित किया था। तेजस्वी भी इस कार्यक्रम में जाने का मन बना चुके हैं। अगर सूत्रों की माने तो 3 मई को बापू सभागार में होने वाले इस आयोजन में तेजस्वी शिरकत करेंगे। हालांकि 3 मई को ईद का त्यौहार भी है, इस लिहाज से तेजस्वी की व्यस्तता ज़्यादा होगी। ऐसे में संभव है कि तेजस्वी यादव परशुराम जयंती समारोह में थोड़ा कम वक्त दे पाएंगे। लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो तेजस्वी परशुराम जयंती में शामिल होकर भूमिहार समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने विधान परिषद चुनाव में इस तबके से आने वाले नेताओं को उम्मीदवार बनाया था और बोचहा में जीत के बाद उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि आरजेडी केवल MY नहीं बल्कि ए टू जेड की बात करती है और उसी तरह की राजनीति बिहार में भी करेगी। अगर तेजस्वी वाकई परशुराम जयंती समारोह में शामिल होते हैं तो आने वाले दिनों में BJP और JDU जैसी पार्टियों के लिए कड़ी चुनौती जरूर साबित होगी। तो तेजस्वी यादव कल के परशुराम जयंती समारोह में शिरकत करेंगे और वो भूमिहार समाज को एक मैसेज देना चाहेंगे कि RJD MY नहीं बल्कि A to Z की बात करती है, A to Z की पाती है, जिसमें तमाम जाति धर्म के लोग की बात होती है। ऐसे में अगर तेजस्वी जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक प्रयोग तेजस्वी यादव का सफल होता जा रहा है, अगर वाकई में भूमिहार समाज अगर उनके साथ आ जाता है तो BJP और JDU, खासतौर पे JDU जैसे पार्टियों की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। भूमिहार समाज वो समाज है जो एक लंबे समय तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आज वही भूमिहार उनके लड़के तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया। उदाहरण के तौर पर विधान परिषद का चुनाव ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर बोचहा में हुए उपचुनाव को भी आप देख सकते हैं जो परिणाम सामने आए, क्योंकि बोचहा में भूमिहार निर्णायक भूमिका में होते हैं और भूमिहारों ने जिस प्रकार से तेजस्वी और RJD को आशीर्वाद दिया तो ऐसे में अब तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो तेजस्वी A to Z की बात करते हैं अब A to Z में तमाम जाति धर्म के लोग होंगे। प्रयोग सफल दिख रहा है और कल के होने वाले परशुराम जयंती कार्यक्रम में तेजस्वी यादव शिरकत करेंगे और एक मैसेज देंगे भूमिहार समाज, साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दलों को कि MY नहीं बल्कि A to Z की पार्टी राजद है। तो फिलहाल इस पर मैं इतना ही, देख लें अंश बिहार। नमस्कार।